कौन हैं हम? क्या हम सिर्फ वैसे हैं? कभी हम इस दुनिया से परे होंगे, ज्यादा ताकतवर बन? प्लीज गाना बदल देंगे? गाना खत्म होने दो बेटा, जब तुम गाड़ी चलाने लगोगी तब जो चाहे गाना सुन। मैंने नहीं किया जिन, क्या ये तुमने किया जिन? ये तुम मुझे इसके बदन पर, अब उसे कैसे बताएं? हेलो, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो अब मेरा क्या होगा? जो तुम्हारे जैसे हैं, स्पेशल। स्पेशल पर कभी कभी ये उन तुम्हें एक तोहफा मिला है जीन, लो, ओके? ये असल में, अब अगर तुम चाहो तो इसे एक खूबसूरत तस्वीर बनानी है, बस एक तोहफा। ना चाहती हो तो मैं मदद कर सकता, और ना ही तुम दूसरे पेशेंट्स जैसे। ओके, पर क्यों? अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी, मतलब कुछ भी, तो मैं जोड़ दूंगा। क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? नहीं, टूटी नहीं हो। मैम, मुझे 7-6 पर कुछ दिख रहा है। के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। ये तो मेरी खूबी है। और मैं नहीं कर पा रहे। प्रक्षेप पथ अनियमित है शायद। जी, मैं ही बोल रहा हूं। चार्ल्स, सत्य की जान कैसे एस्ट्रोनॉट्स को बचाएंगे और घर वापस आएंगे, कोई सवाल? हाँ, क्या एग्जिट इतना ऊपर जा पाएगा? देखो, असल में जरूर जाएगा। मैं भूल जाती हूँ कि तुम दिमाग पढ़ सकती हो। तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम फौरन वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ। एक्समैन से मदद मांगी है। लगता है उसकी वजह से उनके स्पेसशिप की बिजली खत्म हो गई है। फिलहाल वो कंट्रोल दिशा। बहुत तेज घूम रहा है, मुझे खिड़की नजर नहीं आ रही। स्कॉट, उस थ्रस्टर को शूट। कर्ट पीटर को वहां ले जाओ। मर गए यार। आ, छोड़कर नहीं जाएंगे। और जोखिम में नहीं डाल सकती मैं अपनी टीम को और उनकी। मैं शिप बचा सकती हूँ लेकिन यहाँ से नहीं, उसके लिए मुझे अंदर जाना होगा। गिनती शुरू। अब 20 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8 सॉरी।
आज एक्समैन ने बहादुरी का एक बेहतरीन कारनामा भेजा है और दिल से शुक्रिया कहा है। और अपनी कहूं तो मैंने कभी नहीं होगी आज छुट्टी। काफी अच्छा लग रहा है। थैंक। हाँ? तुम जरा जीन को चेक कर। संदेश भेजना पड़ता, वो मर सकती थी। पर मरी तो नहीं। पर असली हीरो तो मैं ही था। वो लोग बच्चे नहीं रहे रेवन। और मुझे और किस लिए? प्लीज, कहीं ये तुम्हारा ईगो तो नहीं। वैसे सच कहूं तो अच्छा लगता है, यही तो चाहते थे हम। क्या चाहते थे तो कर रहे हैं हम, एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अमन बनाए रखने की मानना पड़ेगा। मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं करती आ जाए। दिल की धड़कन ठीक? क्या ठीक नहीं है? अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने तुम्हें का मतलब क्या है? अब ये तो काफी बेहतर सच में। ठीक है तो थैंक। हाँ बाबा, क्यों कहीं तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो। हाँ, खो ही देता। जानते हो नजर आ रहा है। वो तुम्हें ठीक लग रही है? याद है कुछ वक्त पे मैं सोच रही थी शायद वक्त आ गया है जहाँ चार्ल्स है। तुम दोनों के बीच जो भी अनबन है वो सुलझ सकती है। नहीं सुलझ। हमने दुनिया इसीलिए बदली ताकि हम उसमें रह सके। और अब हम हैं। ये उसकी है। तुम्हें क्या लगता है एक्समैन में? थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। जहाँ ऐसे स्पेशल बच्चे खुशी और तक इसका मतलब क्या है? पर आप लोग जो हमें पहले बुलाते थे उससे बेहतर है। तुम्हें पता है बच्चे तुम्हें क्या बुला रहे हैं? बहुत अफसोस है दोस्तों, पर मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। थोड़ा और। थैंक यू। हल्की सी हरकत उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। जान, एक तरह की दीवारें उसे अपने सदमों। मुझे लगता है अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने उसे कुछ बस करो। यह आवाज कैसी है? वो जाग रही है। मैं चाहता हूं तुम शांत रहो और बस मेरी आवाज पर ध्यान। जेन, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम बस आवाजें सुन रही हो। जेन, तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए। और बढ़ा दो। नहीं, ये पहले ही बहुत। चार्ल्स। जब हम बाहर थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बेहोश हो गई। नहीं, कुछ ठीक नहीं। ये एक एक्सीडेंट था। पता। पर तुम्हारे डैड तो मैंने प्लीज। मुझे अचानक कुछ हो जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाती।
उसके अंदर और बाहर आ रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। जी नहीं है, वो चली गई। कहाँ गई? डैड से मिलने जा रही है। पर ये कैसे हो सकता है? रोकना होगा, वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। नौचा दौड़ना बुक, नौचा डरना। ताकत समा चुकी है इस आदिम, मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू कर लूं। कहां है वो? कहिए। छुपाकर मैंने सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। यह तुम्हारे, आप फिक्र मत कीजिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। मुझे कभी नहीं ढूंढा जीन। क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? आग पढ़ सकती हूं मैं, इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता मैं, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। हम सिर्फ थे। आपने झूठ कहा कि मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल, मैं आप नहीं मानूंगी। स्कॉट, प्लीज वापस आ जाओ। मैंने तुमसे कहा था दूर हो रही है जीन, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम नहीं समझ, मेरे अपनों की जान जाती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन, परिवार यही तो करता है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते। हम सब जंग लड़ रहे हैं, अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते, वो मरी नहीं है। जिन्नों से मार डाला कर रही है, जीन से कंट्रोल नहीं हुआ और घर ला सकते हैं। उसने रेवन को मार दिया, शायद तुम ये नहीं मानना चाहते ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो, मैं रेवन की लड़की थी जो यहां, मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। चार्ल्स,
तुम्हारी गलती है कि वो मर गए। मदद के लिए किया, मैं जो करता हूँ सबकी मदद के लिए। तो तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे प्लीज। मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, उम्मीद है कि अपनी मैं छोटे वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। जिंदगी हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। मुझे क्या हो रहा है? हाँ मैं अकेला छोड़ दूँ। आप बताएंगे आप लोग कौन हैं? सच आएगी, मैं सबके लिए माफ। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जीन असल में कौन है। बेहतर होगा कि माफ कीजिए मिस्टर ग्रे, पर मुझे उसके बारे में सब कुछ हुआ। सोचा था बातचीत करके हम मसले का हल निकाल लेंगे। सवाल का जवाब दो। बुरा मत मानना, उन्हें बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। किसका खून है ये? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। काफी पुरानी बात है पर ये सच है। हाँ उन्हें खो दिया, इसलिए मैंने लोगों को चोट पहुंचाई। लेकिन दर्द नहीं किया इतना? कैसे रोकूं? जब मैं काबू खो देती हूं तो मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता। हाँ तुम गुस्सा करो, दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होता जब तुम गुस्सा होती हो? हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, एक एक्समैन के लिए आए हैं। मैं बिना बताए और बिना बुलाए तुम्हारे घर आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? शक नहीं चाहते तो सामने से हटो। हमारे हैं जिसने वो अधिकार खो दिया जब उसने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया था। हम तक खबरें नहीं पहुँचती हैं कैप्टन, ये मैं नहीं कर रहा। ये मैं कर रही हूँ। चाहिए, सुना था तुम म्यूटेंट्स की रक्षा करते हो। मैं उनकी रक्षा ही कर रहा हूं। नागरिकों के लिए एक खतरा मानी गई है। जीन ग्रे की घटनाओं के तुरंत बाद मैं चार्ल्स एक्सेवियर बोल रहा हूं, मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। चिल्किया है, उसे खारिज करने की जरूरत नहीं है। आपको हमें एक मौका तो अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी मतलब अंतर्राष्ट्रीय तलाश जारी है। अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए। तुम्हारे पास अच्छी महिलाओं के लिए सफल होना एक हेलो तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक डरपोक लड़की जो कुर्सी पर बैठे उस शख्स का हुक्म मानती है। जानती मैं कौन हूँ? बखूबी जानती हो। ये होगी तुम्हारी अंदरूनी ताकत। कह गए सभी लव्स जो बहुत पहले भी और तुम समझती हो। क्लास में नहीं है क्या? हैंग क्लास में नहीं है क्या?
बाकी के सब कहाँ हैं? मैं अकेला आया हूँ। तो यहाँ नहीं? हाँ मैं जानता हूँ। फिर यहाँ मुझे उसे ढूंढकर क्या मिलेगा? मेरे लिए ना सही। यहां अगर तुम्हारी ताकत से कोई डरता है तब के खैरन शो। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती हूं। नहीं थी और वो कोई एक्सीडेंट भी नहीं था। वो तुम्हारी, हमने उसे तुम्हें अंतरिक्ष में ले जाते देखा, दुनिया में जान डाली और इसी चिंगारी ने मेरी दुनिया भूमि करने की पूरी कोशिश की, पर जो भी उसके संपर्क में आया तुमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। तुम वो कंट्रोल कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर है, उस शक्ति को जीवन में, यही तुम्हारी नियति है। मैंने कहा था वो तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं हमारे ख्यालात। जीन का पता चल गया, उसे मार देंगे और उन सभी को जो उनके रास्ते में आएंगे। कट, स्कॉट और मैं जाएंगे, जीन के लिए लड़ेंगे बिना तुम्हारे। स्टॉर्म, हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरे रास्ते से हट जाओ। जीन ने जो किया मुझे उसके लिए अफसोस है। कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। अगर हमने यहाँ तमाशा किया, हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है, और कुछ अगर लड़की तो मरेगी। कार्ट, मुझे अंदर ले चलाओ। दिखाती हूँ कैसे मारते हैं। कट, 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 तुम ठीक हो? तुम भी मुझे मारने आए हो? कभी नहीं जीन, जीन प्लीज। तुम्हें अंदर तुमने पाला था, अब ये वो नहीं है। याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो, तुम जानती हो। तुम ये क्या कह रही हो? नहीं पढ़ सकता, पढ़
और अब हम तुम्हारा नया परिवार बन सकते हैं। मैं उसकी नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी उम्मीद बाकी है। इसने जो दिखाया वो तुम्हारा अतीत था। नहीं, ब्रह्मांड ने जो तुम्हें तोहफा दिया है, प्लीज आजाद कर दो मुझे। क्या हुआ? मैं इसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। सांसें चल रही है। स्कॉट फॉरन इसे बाहर ले जाओ, तुम्हें करना होगा। जानबूझकर उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैंने नहीं किया। और वहां ले जाने की तैयारी करो। आखिर उसे कंट्रोल क्या कर रहा है, बताओगे जरा? मैं नहीं जानता, पर अच्छा आना दो उसे। उसे हासिल करने के लिए उसे तुम दोनों जानते हो। अल्फा वन, तुम्हारी बोगी पर कई सारे दुश्मन नजर आ रहे हैं। तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। दरवाजा बंद करो फौरन। बकवास बंद करो। जीन, हमारी खातिर तुम्हें उठना पड़ेगा। अब मैंने इरादा बदल दिया है।
जीन। यहाँ पर ज्यादा सुकून है कि तुम्हारी हिफाजत करूं, तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता था। अपने परिवार की रक्षा, अब मैं जानती हूं मैं कौन हूं। मैं अब इस दुनिया से परे हूं। कैसा लग रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो एरिक? आज नहीं, शुक्रिया। आदि, मैं भी तुम्हारे लिए यही करना चाहूंगा। वक्त की खातिर तुम पे रहम करूंगा। इसके बदन पर उसे कैसे बताए? हेलो, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो अब मेरा क्या होगा? जो तुम्हारे जैसे हैं, स्पेशल। स्पेशल पर कभी कभी ये उन तुम्हें एक तोहफा मिला है जीन। लो, ओके? ये असल में अब अगर तुम चाहो तो इसे खूबसूरत तस्वीर बनानी है। बस एक तोहफा।
चाहती हो तो मैं मदद कर सकता, और ना ही तुम दूसरे पेशेंट्स जैसी। ओके, पर क्यों? अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी, मतलब कुछ भी, तो मैं जोड़ दूंगा। क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? नहीं, टूटी नहीं हो। मैम, मुझे 7-6 पर कुछ दिख रहा है। के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। ये तो मेरी खूबी है। और नहीं कर पा रहे। प्रक्षेप पथ अनियमित है। चार्ल्स जी, मैं ही बोल रहा हूं। चार्ल्स, एस्ट्रोनॉट्स को बचाएंगे और घर वापस आएंगे। कोई सवाल? हाँ, क्या एग्जिट इतना ऊपर जा पाएगा? देखो असल में जरूर जाएगा। अभी मैं भूल जाती हूँ कि तुम दिमाग पढ़ सकती हो। तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम फौरन वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ। एक्समैन से मदद मांगी है। लगता है उसकी वजह से उनके स्पेसशिप की बिजली खत्म हो गई है। फिलहाल वो कंट्रोल दिशा। ये बहुत तेज घूम रहा है, मुझे खिड़की नजर नहीं आ रही। स्कॉट, उस थ्रस्टर को शूट। कर्ट, पीटर को वहां ले जाओ। मर गए यार। और छोड़कर नहीं जाएंगे। और जोखिम में नहीं डाल सकती मैं अपनी टीम को और उनकी। मैं शिप बचा सकती हूँ लेकिन यहाँ से नहीं। उसके लिए मुझे अंदर जाना होगा। गिनती शुरू। अब 20 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8 सॉरी। आज एक्समैन ने बहादुरी का एक बेहतरीन कारनामा भेजा है और दिल से शुक्रिया कहा है। और अपनी कहूं तो मैंने कभी आई नहीं होगी आज छुट्टी। काफी अच्छा लग रहा है। थैंक। हाँ? तुम जरा जीन को चेक कर। संदेश भेजना पड़ता, वो मर सकती थी। पर मरी तो नहीं ना। पर असली हीरो तो मैं ही था। वो लोग बच्चे नहीं रहे रेवन। और मुझे और किस लिए? प्लीज, कहीं ये तुम्हारा ईगो तो नहीं है? वैसे सच कहूं तो अच्छा लगता है, यही तो चाहते थे हम। क्या चाहते थे? तो कर रहे हैं हम। एक जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अमन बनाए रखने मानना पड़ेगा। मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं किया जाए। दिल की धड़कन ठीक। क्या ठीक नहीं है?
अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने तुम्हें का मतलब क्या है? अब ये तो काफी बेहतर सच में। ठीक है तो थैंक। हाँ बाबा क्यों कहीं तुम वाकई ठीक हो ना? बदल गई हो। हाँ कोई देता जानते हो। नजर आ रहा है। वो तुम्हें ठीक लग रही है? याद है कुछ वक्त पे मैं सोच रही थी शायद वक्त आ गया है जा चार्ल्स है। तुम दोनों के बीच जो भी अनबन है वो सुलझ सकती है। नहीं सुलझ। हमने दुनिया इसीलिए बदली ताकि हम उसमें रह सके। और अब हम हैंक ये उसकी है। तुम्हें क्या लगता है एक्समैन में? थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। जहां ऐसे स्पेशल बच्चे खुशी और तक इसका मतलब क्या है? पर आप लोग जो हमें पहले बुलाते थे उससे बेहतर है। तुम्हें तुम्हें पता है बच्चे तुम्हें क्या बुला रहे हैं? बहुत अफसोस है दोस्तों पर मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं उसके दिमाग में नहीं जा पा रहा। थोड़ा और। थैंक यू। हल्की सी हरकत उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। एक तरह की दीवारें उसे अपने सदमों मुझे लगता है अंतरिक्ष में जो भी हुआ उसने उसे कुछ बस करो। ये आवाज कैसी है? वो जाग रही है। मैं चाहता हूं तुम शांत रहो और बस मेरी आवाज पर ध्यान। जेन वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम बस आवाजें सुन रही हो। जेन तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए और बढ़ा दो। नहीं ये पहले ही बहुत। चार्ल्स जब बाहर थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम बेहोश हो गई। नहीं कुछ ठीक नहीं है। ये एक एक्सीडेंट था पता। पर तुम्हारे डैड तो मैंने प्लीज मुझे अचानक कुछ हो जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाती। जानती हूँ उसके अंदर और बाहर आ रहा है। उसमें बदलाव हो रहा है। रे जी नहीं है वो चली गई। कहाँ गई? डैड से मिलने जा रही है। पर ये कैसे हो सकता है? रोकना होगा। वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। नौचा दौड़ना बुक। नौचा दौड़ना ताकत समा चुकी है। इस आदिम मैं उसका इस्तेमाल करके उस ताकत को काबू कर लूं। कहां है वो?
कहिए। ओह गॉड, इसे सच छुपा कर। मैंने सोचा नहीं था मैं वापस आऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। बस करो। मुझे कभी नहीं ढूंढा जीन। क्यों नहीं ढूंढा आपने मुझे? आग पड़ सकती हूं। मैं इसे संभाल नहीं सकता। आपने मुझे खुद बाय भी नहीं कहा। जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता मैं। मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी जीन। आपने झूठ कहा कि मेरे डैड मर चुके हैं और आपने मेरा इस्तेमाल। मैं आप नहीं मानूंगी। स्कॉट, प्लीज वापस आ जाओ। तुमसे कहा था दूर हो रही है जीन। मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम नहीं समझ। मेरे अपनों की जान जाती है। मैं नहीं छोड़ सकती जीन। परिवार यही तो करता है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते। हम सब जंग लड़ रहे हैं, अपने आप मिलेगा। रेवन ने मरते, वो मरी नहीं है। जिन्न से मार डाला कर रही है। जीन से कंट्रोल नहीं हुआ और घर ला सकते हैं। उसने रेवन को मार दिया। शायद तुम ये नहीं मानना चाहते, ना ही उन्हें बताना चाहते। कभी कभी हम लोगों को वैर हो चुकी होती है। जानते हो, मैं रेवन की लड़की थी जो यहां। मैंने उससे बेहतर जिंदगी का वादा किया था। तुम्हारी गलती है कि वो मर गए। की मदद के लिए किया, मैं जो करता हूँ सबकी मदद के लिए। तो तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या गलत। कबूल करो कि तुम गलत थे। प्लीज, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। उम्मीद है कि अपनी गुण छोटे वाली थी और मैंने उसे रोक कर गलती की। जिंदगी, हम उन बच्चों को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि असल में उन्हें तुमसे बचाने की। क्या हो रहा है? हाँ, मैं अकेला छोड़ दूँ। आप बताएंगे आप लोग कौन हैं? बस आ जाएगी।
मैं सबके लिए माफ। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जीन असल में कौन है। बेहतर होगा कि माफ कीजिए मिस्टर ग्रे, पर मुझे उसके बारे में सब कुछ हुआ। सोचा था बातचीत करके हम मसले का हल निकाल लेंगे। सवाल का जवाब दो। बुरा मत मानना, उन्हें बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। किसका खून है ये? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। काफी पुरानी बात है, पर ये सच है। हाँ, उन्हें खो दिया, इसलिए मैंने लोगों को चोट पहुंचाई। लेकिन दर्द नहीं किया इतना, कैसे रोकूं? जब मैं काबू खो देती हूं, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम गुस्सा करो, दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होता जब तुम गुस्सा होती है? यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, एक एक्समैन के लिए आए हैं। बिना बताए और बिना बुलाए तुम्हारे घर आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? शक नहीं चाहते तो सामने से हटो। हमारे हैं जिसने वो अधिकार खो दिया जब उसने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया था। हम तक खबरें नहीं पहुंचती हैं कैप्टन, ये मैं नहीं कर रहा। ये मैं कर रही हूँ। सुना था तुम म्यूटेंट्स की रक्षा करते हो। मैं उनकी रक्षा ही कर रहा हूं। नागरिकों के लिए एक खतरा मानी गई है। जीन ग्रे की घटनाओं के तुरंत बाद मैं चार्ल्स एक्सेवियर बोल रहा हूं, मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। चिल्किया है, उसे खारिज करने की जरूरत नहीं है। आपको हमें एक मौका तो, अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी मतलब अंतर्राष्ट्रीय तलाश जारी है। अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो दूरी बनाए। तुम्हारे पास अच्छी महिलाओं के लिए सफल होना। एक हेलो, तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक डरपोक लड़की जो कुर्सी पर बैठे उस शख्स का हुक्म मानती है। जानती मैं कौन हूँ? बखूबी जानती हो। ये होगी तुम्हारी अंदरूनी ताकत, खाए गए सभी लव्स जो बहुत पहले भी। और तुम समझती हो? क्लास में नहीं है। क्या हैंग क्लास में नहीं है? क्या? बाकी के सब कहाँ हैं? मैं अकेला आया हूँ। तो यानी? हाँ, मैं जानता हूँ। फिर यहाँ मुझे उसे ढूंढ कर क्या मिलेगा? मेरे लिए ना सही। यहां अगर तुम्हारी ताकत से कोई डरता है तो
तफके खैरानुशो। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ। नहीं थी, और वो कोई एक्सीडेंट भी नहीं था, वो तुम्हारी। हमने उसे तुम्हें अंतरिक्ष में ले जाते देखा, उसने दुनिया में जान डाली, और इसी चिंगारी ने मेरी दुनिया भूमि करने की पूरी कोशिश की, पर जो भी उसके संपर्क में आया, तुमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। तुम वो कंट्रोल कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर है, उस शक को जीवन में, यही तुम्हारी नियति है। मैंने कहा था वो तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं हमारे ख्यालात। जीन का पता चल गया, उसे मार देंगे। और उन सभी को जो उनके रास्ते में आएंगे, कट, स्कॉटर में जाएंगे, जीन के लिए लड़ेंगे बिना तुम्हारे। स्टॉर्म, हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरे रास्ते से हट जाओ। जीन ने जो किया मुझे उसके लिए अफसोस है। कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। अगर हमने यहाँ तमाशा किया, हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है, और कुछ अगर लड़की तो मरेगी। कट, मुझे अंदर ले चलाओ। दिखाती हूँ कैसे मारते हैं। कट, 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 तुम ठीक हो? तुम भी मुझे मारने आए हो? कभी नहीं जीन, जीन प्लीज। तुम्हें अनु तुमने पाला था, अब ये वो नहीं है। याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो, तुम जानती हो। तुम ये क्या कह रही हो? नहीं पढ़ सकता, और तुम तो मेरे दिमाग। और अब हम तुम्हारा नया परिवार बन सकते हैं। मैं उसकी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी उम्मीद बाकी है। इसने जो दिखाया वो तुम्हारा अतीत था। नहीं, ब्रह्मांड ने जो तुम्हें तोहफा दिया है, प्लीज आजाद।
कर दो मुझे। क्या हुआ? मैं इसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। सांसें चल रही है। स्कॉट फौरन इसे बाहर ले जाओ, तुम्हें करना होगा। जानबूझकर उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैंने नहीं किया। और युको वहां ले जाने की तैयारी करो। आखिर उसे कंट्रोल क्या कर रहा है, बताओगे जरा? मैं नहीं जानता, पर अच्छा आना दो उसे। उसे हासिल करने के लिए उसे तुम दोनों जानते हो। अल्फा वन, तुम्हारी बोगी पर कई सारे दुश्मन नजर आ रहे हैं, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। दरवाजा बंद करो फौरन। बकवास बंद करो। जीन, हमारी खातिर तुम्हें उठना पड़ेगा। बदल दिया है। मैं तुम्हें जीन, यहां पर ज्यादा सुकून है कि तुम्हारी हिफाजत करूं। तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता था। परिवार की रक्षा।
नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हारे जज्बात तुम्हें कमजोर करते हैं। नहीं, अब मैं जानती हूं मैं कौन हूं। मैं अब इस दुनिया से परे हूं। कैसा लग रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो एरिक? आज नहीं, शुक्रिया। दादी, मैं भी तुम्हारे लिए यही करना चाहूंगा। वक्त की खातिर तुम पे रहम करूंगा।